केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत की जरूरत होती है और ये बहुमत मिलता है लोकसभा की कम से कम 273 या फिर उससे अधिक सीटों को जीतने के बाद। लेकिन 272 प्लस का माइलस्टोन ही क्यों? दरअसल हमारी लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और यदि इनका आधा किया जाए तो ये होता है लगभग 272। सो ऐसी कंडीशन में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी अथवा गठबंधन को आधी से ज्यादा सीटें जीतनी होती है। जो पार्टी इस संख्या को पा लेती है वो सरकार बनाने के लिए योग्य हो जाती है। अब पार्टी या गठबंधन अपना नेता चुनते हैं और यही नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। इसके लिए सदन में मौजूद कुल सांसदों के 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। अगर बहुमत नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में सरकार गिर जाती है।